आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM Duke 250 के ऑल न्यू बेस्ट कलर के बारे में कि कौन सा कलर आपको लेना चाहिए नए कलर के अंदर। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें प्राइस के बारे में, तो 285,000 रुपये जो है ऑन रोड प्राइस है KTM Duke 250 का। आप कोई भी कलर लेंगे सेम प्राइस में आपको मिलेगा 285,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है। जयपुर की यहाँ पर मैं बात करूँ PL KTM अजमेर रोड पर जो शोरूम है, एक काफ़ी बढ़िया नेकेड स्ट्रीट बाइक वाला लुक आपको देती है KTM Duke 250। लुक में पूरा यहाँ पर फ्रंट से अगर मैं बात करूँ, रियर से बात करूँ, तो एग्जैक्टली Duke 390 वाला आपको लुक देखने को मिलता है। कुछ डिफरेंसेस हैं Duke 250 और Duke 390 के अंदर जो कि मैकेनिकली हैं और थोड़े बहुत पार्ट्स में हैं, बाकी दिखने में आपको बिल्कुल Duke 390 वाला लुक देती है ये बाइक। मैं आपको एक बार छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ बाइक का, फिर दोनों कलर्स में इन डिटेल दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा शानदार है। जितने भी लोग कन्फ्यूज है कि उनको कौन सा कलर लेना चाहिए, वो कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में बिल्कुल दूर होने वाला है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये इन्फॉर्मेशन लगेगी। एंड डेफिनेटली जो लास्ट में है आप जाके कंक्लूड कर पाओगे, मतलब एक डिसीजन ले पाओगे आराम से कि आपको कौन सा वाला कलर के साथ जाना चाहिए, बिकॉज मैं ईजिली आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट इस वाले कलर से। तो जो ये वाला कलर है ये न्यू एडिशन है, ये नया ऐड किया गया है Duke 250 की लाइनअप के अंदर। यहाँ पर आपको जो ओवरऑल है फ्रंट फेंडर आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, पहले ऐसा नहीं आता था। साथ में यहाँ पर आपको ऑरेंज मैट कलर के अंदर यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट क्लस्टर के पास में आपको यहाँ पर फाइबर पैनलिंग देखने को मिलेगी। ये ग्लॉस फिनिश में है और ये मैट फिनिश में, आप देख सकते हो ये पूरा मैट फिनिश के अंदर है, ग्लॉस फिनिश के अंदर नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर मैं बात करूँ तो साइड पैनल पूरा ग्लॉस के अंदर आता है यहाँ पर, बट जो यहाँ पर स्टिकरिंग है, ये जो स्टिकर लगा हुआ है 250 Duke का, ये पूरा आपको मैट में देखने को मिलता है और ये ग्लॉस में देखने को मिलता है। फ्रेम यहाँ पर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आता है, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक देखने को मिलेगा और यहाँ पर ग्लॉस ऑरेंज देखने को मिलेगा। रियर में चलते हैं तो रियर में भी आपको जो है ग्लॉस ब्लैक के अंदर ही बाइक देखने को मिलती है, साथ में जो स्टिकरिंग है वो भी आपको ग्लॉस फिनिश के अंदर ही देखने को मिलती है। रियर में कुछ इस प्रकार से आपको जो है मैट फिनिश के अंदर काफ़ी बढ़िया कलर बाइक देखने को मिलेगी, और साथ में ये जो ग्रैब बार्स हैं ये भी मैट पाउडर कोटेड है, ये ग्लॉस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे कलर के पास में। तो जो ये वाला कलर है ये पहले से ही आता था, ये पहले मतलब जो ओल्डर कलर थे उसकी लाइनअप में ही था, ये न्यू एड ऑन नहीं है। इसका मैं कलर आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर मैट ग्रेइश ब्लैक वाला टोन देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर हेडलाइट क्लस्टर पर भी आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी। जो ये आपको पैनल देखने को मिलता है ये भी मैट फिनिश में है, साथ में स्टिकर भी मैट में है। जो फ्रेम है वो ग्लॉस फिनिश के अंदर आता है यहाँ पर फ्रंट वाला, और रियर में आप देख सकते हैं ये पूरा मैट फिनिश के अंदर है, ग्लॉस फिनिश के अंदर नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा पैनलिंग मैट फिनिश के अंदर ही देखने को मिलने वाली है, साथ में यहाँ पर ग्रैब बार्स भी मैट फिनिश के ही देखने को मिलते हैं। कलर्स में दोनों में ये डिफरेंस है, ये ओल्डर कलर है, पुराना चलता आ रहा है, दैट इज़ द कम्प्लीट न्यू कलर। बहुत ही सुंदर लगती है बाइक इस वाले कलर के अंदर, आप देख सकते हैं कलर में डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। ओवरऑल मुझे पर्सनली यहाँ पर जो ये न्यू कलर एड ऑन हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं अगर आपकी जगह होता, दोनों कलर्स में कंफ्यूज होता, तो मैं ये न्यू कलर के साथ जाता, बिकॉज प्राइस दोनों कलर्स की सेम है 285,000, एंड ये वाला कलर जो है काफ़ी सुंदर दिखता है, बिकॉज ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो इसका है वो बहुत ही बढ़िया है। साथ में अलॉय व्हील्स भी इसके अंदर ब्लैक आते हैं, वहीं ओल्डर कलर के अंदर आपको अलॉय व्हील्स ऑरेंज देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही एक अच्छा सुपर बाइक लुक वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो मैं डेफिनेटली इस कलर के साथ ही जाऊँगा। बाकी Duke 250 2022 के अंदर भी बहुत ही एक शानदार कमाल की बाइक है, बहुत अच्छी पावर देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको कम्फर्ट देखने को मिलता है, हेडलाइट क्लस्टर बहुत सुंदर लगता है, प्रॉपर आपको Duke 390 वाला लुक देती है ये बाइक, और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर आपको यहाँ पर ओवरऑल लुक देखने को मिलता है बाइक का। ओवरऑल Duke 390 और इसमें जो मेन डिफरेंसेस है वो यहाँ पर आपको इंजन के अंदर देखने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखने को मिलता है, क्विक शिफ्टर प्लस के अंदर देखने को मिलता है। Duke 390 के अंदर आप बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट अप डाउन कर सकते हो, बट वो चीज़ यहाँ पर Duke 250 के अंदर नहीं आती है। उसके अलावा यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी बाइक सेम है, सेम व्हील्स, सेम टैंक, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सेम सीट्स, सेम फ्रेम, एग्जॉस्ट यहाँ पर सेम है, हैंडल बार सेम है, यहाँ पर इंडिकेटर सेम देखने को मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं,
कुछ चीज़ें छोड़ के, तो मेरे हिसाब से अगर आपको ड्यूक 250 लेनी है तो आप ले सकते हैं। एंड मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस न्यू कलर के साथ ही जाता। बाकी आपको यहाँ पर ड्यूक 250 कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिलेगा। इंस्टाग्राम अभी तक आप जो फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर मेकिंग पावर डे। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड राइट सेफ। बाय बाय।